नीरज जी, किस तरह की तैयारी चल रही है और पार्टी का जो ग्राफ है, पीटी गुप्ता जी का जो यहाँ पे काम चल रहा है, वो किस तरीके से चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, अभी तक हम लोग कागजी जो कार्रवाई थी इस सब की वो कर रहे थे। आज से हमने अपना प्रचार शुरू किया है कन्वेंसिंग, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जनता का पूरा आशीर्वाद और पूरा प्यार हम लोगों को मिल रहा है। और कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, क्योंकि तो भाजपा के कार्यकर्ता आपने देखा होगा, बहुत डेडिकेटेड और बहुत मेहनती होते हैं, और बहुत ईमानदारी के साथ सभी लोग काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता हमें अपना पूरा आशीर्वाद देगी। किससे मानते हैं कि क्षेत्र में किससे टक्कर है बीजेपी की, आपके कैंडिडेट यानी प्रीति गुप्ता हाँ जी जी का जी जो फाइट है वो किससे दिख रही है आपको? फाइट तो देखो, मेरे ख्याल से अभी फाइट तो मुझे इतनी ज्यादा नहीं लग रही, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ के जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं रितु चौधरी जी, उनसे मुझे एक अच्छी फाइट नजर आ रही है। क्योंकि जो उनके ससुर जी हैं नत्थू सिंह जी, वो एक तो कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं हमारे गोंडा क्षेत्र से, और उनकी छवि बहुत ही साफ सुथरी और बहुत अच्छी छवि रही है उनकी। और एक कांग्रेस में नई, एक मुझे लग रहा है इस वक्त एक नई आशा की किरण के रूप में उनको टिकट मिला है रितु चौधरी जी को। तो मेरे जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं वो रितु चौधरी जी कांग्रेस के मुझे लग रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी दूसरे नंबर पे रही थी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे रही थी। तो कांग्रेस के कैंडिडेट मुझे मजबूत लग रहे हैं यहाँ से। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को आप कह रहे हैं तीसरे नंबर पे, मगर जो इनके पुराने धुरंधर कार्यकर्ता थे जिन्होंने काम किया था जमीन पे कोविड में या ऐसे, उन सभी को पार्टी ने टिकट काट दिया, वो सब निर्दल लड़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा गलत हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा था जिस वक्त कोविड था, पूरी तरीके से कोविड अपने चरम पे था, देशराज जी हैं, भाई बलवीर परमार हैं, दीपक चौधरी हैं, इनमें इन सभी लोगों को जानता हूँ। क्योंकि देखो, ये गोंडा छोटी सी जगह, छोटा गांव है, और सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। जिस वक्त कोविड था, आपने देखा होगा, हम लोग भी सेवा कर रहे थे, जनता के बीच में थे, तो दीपक चौधरी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वो बहुत मेहनत से उन्होंने सेवा किया क्षेत्र की। उनका टिकट कट के मुझे भी अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे, चलो उनका कट गया, देशराज जी को भी टिकट मिल सकता था, भाई बलवीर परमार जी को भी मिल सकता था, तीनों का ही टिकट कट गया, अचंभे वाली बात लगी। तो उससे मुझे लग रहा है आम आदमी के कार्यकर्ता में थोड़ा सा मुझे रोष नजर आया, इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो पार्टी तीसरे नंबर पर जाने की पूरी संभावना है। यानी आपका कहना सीधा सीधा ये है कि यही आम आदमी पार्टी की लुटिया दबाएंगे जिनके जो जिनका जनाधार था, जिनकी मेहनत थी। बिल्कुल, लुटिया डुबाने का तो नहीं, लेकिन देखिए देशराज जी बहुत मेहनती हैं, अभी उन्हें बीएसपी से टिकट मिला, तीसरा भी नहीं, बल्कि मुझे तो लग रहा है कहीं चौथे नंबर पे ना पहुंच जाए। क्योंकि तो भाई देशराज जी जिस प्रकार से उनका कार्य चल रहा है, एक बहुजन समाज पार्टी में वो जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है क्षेत्र में, उन्होंने काम किया, हमने देखा है उनको काम करते हुए। और टिकट कट के, सीधी सी बात है, आदमी को थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। और जो उनका कार्यकर्ता है, जो उनके साथ काम कर रहा था, कहीं ना कहीं वो उनका सपोर्ट करेगा, तो उससे आम आदमी पार्टी की और भी वोट कम हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त पार्टी की वैसे भी छवि खराब चल रही है, आप देख रहे हैं, रोज नए नए आरोप लग रहे हैं, रोज नई नई चीजें सामने आ रही हैं, इनके नेताओं के भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन में चीजें सामने आ रही हैं, तो और ज्यादा छवि खराब हो रही है। तो इससे मुझे लगता है कि और ज्यादा इनके वोट टूटने की संभावना है। क्या कुछ कहेंगे, यूनिफाइड का आपकी बार आपको फायदा मिलने वाला है, और अगर आप जीत कर आते हैं, जनता विश्वास जताती है, तो किस तरीके का मैप आपने तैयार किया है, किस तरीके से अपने क्षेत्र की जनता को विकास की राह में आगे ले जाना है? देखिए, जनता को, क्योंकि हम लोग यहाँ इस क्षेत्र में गोंडा में बहुत पुराने हैं, हमें यहाँ 30 या 31 साल इस क्षेत्र में हो गए, हमारे परिवार को, तो इस क्षेत्र की एक एक गली, एक एक मोहल्ले से हम लोग वाकिफ हैं, यहाँ की जो बुनियादी समस्याएं हैं, हम उन सभी समस्याओं से वाकिफ हैं। अब उन समस्याओं को दूर करने के लिए, देखिए, क्योंकि एमसीडी आपको पता है, अब जो है नगर निगम एक हो गया है, अब इसे दिल्ली सरकार के ऊपर मोहताज होने की जरूरत है नहीं, केंद्र सरकार से सीधा सीधा एमसीडी में फंड आएगा। हम कोशिश करेंगे जितना भी फंड आएगा, पूरा का पूरा फंड हम इस क्षेत्र की के विकास के लिए हम लोग यूज करें। और क्योंकि प्रीति जी एजुकेटेड भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, समाज सेवक भी हैं, पिछले 3-4 वर्षों से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो अकेली खुद ही सभी काम कर रही है समाज सेवा के, तो मुझे पूरा विश्वास है प्रीति जी अपनी टीम के साथ, क्योंकि उनके पास महिलाओं की बहुत अच्छी टीम है, वो अपनी टीम और वो पूरे एक एक गली कूचे से वाकिफ हैं, क्योंकि सभी क्षेत्र की सभी गलियों की सभी मोहल्लों की महिलाएं उनके साथ में है, करीब 100 से 150 महिलाओं की, मुझे लगता है बहुत सारी, काफी अच्छी उनके पास टीम है, सबके साथ मिलकर के वो बहुत अच्छा सटीक तरीके से क्षेत्र के विकास में काम करेंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। नीरज जी, आरोप तो हमेशा लगते हैं कि जब महिला कैंडिडेट होती है तो जैसी वो जीत के आते हैं, पति देव उनके सामने आते हैं, वो मोर्चा संभाल लेते हैं, वो सारा काम करना शुरू करते हैं, और जो महिला कैंडिडेट होती है, जो विनिंग होती है, जो निगम पार्षद होती है, वो घर में बैठी होती है। इससे पहले भी यहाँ ऐसा देखने को मिला था, इसको आप कैसे देखेंगे? बिल्कुल, आपने 100% सही बात कही है, ऐसा ही होता है।
लोग क्या करते हैं जब उन्हें खुद को, क्योंकि ज्यादातर देखो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, और आपने देखा हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। अच्छा, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों का क्या होता है, जैसे जिस वक्त महिला सीट होती है, क्योंकि उन्हें टिकट मिलेगा नहीं, वो अपने घर की किसी भी महिला को उठा के उसे टिकट दिला देते हैं और एक डमी के तौर पर उन्हें यूज करते हैं और खुद वो शासन चलाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आप सब जानते हैं मेरे को, मेरे बहुत सारे काम हैं। अभी आपने देखा मेरे को फिल्म देखी मेरी जग्गू की लालटेन, अभी दूसरी फिल्म की मैं तैयारी कर रहा हूँ। वो तो कुछ समय के लिए मैं थोड़ा छुट्टी लेकर ऑफिस से, क्योंकि थोड़ा चुनाव प्रचार मुझे भी जरूरी है, मेरे को भी काम करना, मेरी जिम्मेदारी बनती है उनके लिए काम करने की, तो इसलिए मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर उनके साथ काम कर रहा हूँ। बाकी उन्हें खुद ही संभालना पड़ेगा, भाई साहब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनका काम संभाल सकूँ। लेकिन आप पूरा विश्वास रखें, प्रीति जी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार हैं, उन्होंने पहले भी काफी, वो कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। अभी उन्हें एक यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली है रिसेंटली। वो बहुत समझदार और बहुत सुलझी हुई महिला है, बहुत अच्छी टीम के साथ, समझदारी के साथ वो इसको संभाल लेंगी और हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होगा उनके काम में, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। एक आखिरी सवाल, आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, प्रीति गुप्ता जी भी बहुत समाज सेवा करती हैं, कोरोना काल में भी आप लोगों ने बहुत मदद की है, राम मंदिर में भी आपने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दिखाई है, इसको कैसे देखते हैं, ये कितना आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है? देखो हमारे क्षेत्र की जनता सभी हमसे पूरे अच्छी तरह से वाकिफ है, कोई हमसे अछूता नहीं है कि जो हमें ना जानता हो, हमारा किस प्रकार का व्यवहार है क्षेत्र के अंदर, किस प्रकार से हम लोग सेवा करते हैं, सभी लोग हमसे वाकिफ हैं। और हमारा परिवार, क्योंकि हमारी एक संस्कृति, हमारे संस्कार इस प्रकार से मिले ऊपर से कि हमें सेवा करने का हमारे अंदर भाव है कि हमें सेवा करनी है, और हम सभी धार्मिक और सामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं हमारे पूरे परिवार के। इसी के साथ हम लोग, हमारा केवल एक ही उद्देश्य रहेगा कि इस क्षेत्र को कैसे चमकाएं, कैसे इस क्षेत्र को, जो ऐसे क्षेत्र हैं जो विकसित हो चुके हैं हमारे दिल्ली के अंदर, और ये क्षेत्र अभी विकसित नहीं हो पाया, बहुत पिछड़ा हुआ भी कहलाता है, इस क्षेत्र को कैसे हम उन क्षेत्रों के बराबर ला सकें या उनसे आगे ले जा सकें, हम उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। 4 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे? मैं 4 तारीख के लिए यही अपील करूंगा, देखिए जितने भी गोंडा क्षेत्र के वोटर हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी से, चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट दें, मैं आपसे नहीं कहूंगा आप किसी मेरी पार्टी को वोट दो या किसी को, तो आप किसी भी पार्टी को वोट दो, लेकिन भाई साहब वोट जरूर दो, मत देना आपका अधिकार है, मतदान जरूर करें, घर से निकलें 4 तारीख को, अपना वोट का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक वोट बहुत बड़ी ताकत रखता है, अपने इस वोट का अधिकार का उपयोग करें, बल्कि मैं कहूँगा सदुपयोग करें, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को वोट दें, सोच समझ कर वोट दें, जो लगे कि हाँ जी आपके विकास के लिए अच्छा कार्य कर सकता है। नीरज जी, वोट की बात करते हैं, गरीब तबका या जो मिडिल क्लास है वही वोट करता है, लोग तो ऐसे होते हैं जो छुट्टी का प्लान करते हैं, इस बार शनिवार इतवार का टाइम पड़ा है, ऐसा तो नहीं, उनके लिए क्या जवाब होगा, उनके लिए क्या कहेंगे आप, तो छुट्टी मनाने निकल जाते हैं? मैं यही कहूंगा भाई साहब, पहले वोट दे दो फिर छुट्टी मनाने निकल जाओ, लेकिन वोट जरूर दो, बल्कि मैं तो कहूँ सरकार को कुछ इस प्रकार का नियम बनाना चाहिए कि जो लोग 3 या 4 बार वोट नहीं दें उन पे कोई ना कोई पेनल्टी का इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए, सभी को अपने वोट जरूर देना चाहिए, मतदान का जरूर प्रयोग करना चाहिए, अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता आप नोटा का बटन दबाओ, लेकिन जाकर अपना वोट जरूर देना चाहिए, हर एक कैंडिडेट को देना, हर एक व्यक्ति को, हर एक वोटर को अपना वोट जरूर देना चाहिए। नीरज जी, आपने आम आदमी पार्टी के जो यहाँ से निगम पार्षद की तैयारी जो कर रहे हैं, उनके कैंडिडेट के जो हस्बैंड हैं रोहतास भाई, आप उनको बड़े हल्के में ले रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए भाई रोहतास जी की मैं उन्हें बहुत वर्षों से जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, उनकी बहुत अच्छी शख्सियत है, उनकी धर्मपत्नी विद्यावती जी यहाँ पे मैदान में है आम आदमी पार्टी के टिकट से, वो बहुत अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे अगर वो किसी, वो निर्दलीय भी लड़ लेते, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल जो छवि है वो बहुत ही अच्छी छवि है, उन्होंने पीछे काफी काम भी कराए हैं, जिस वक्त निगम पार्षद थे, नगर निगम में थे, हम लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया था, लेकिन एक गलत पार्टी को चुनने के कारण उन्हें यहाँ से नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस वक्त जो छवि बन रही है वो बहुत ही खराब है, जो इनका शीर्ष नेतृत्व है पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और बहुत इनको उस चीज का नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या रोहतास जी को अपने फेस पे वोट मिलेंगे या आम आदमी पार्टी? भाई साहब रोहतास जी को अगर वोट मिलेगा, उन्हें अपने खुद के फेस पे जो वोट मिलेगा ना वो ज्यादा मिलेगा, थोड़ा बहुत वोट आम आदमी से मिल सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो पीछे किया है उनका सभी कार्यकर्ता गोंडा क्षेत्र का रुष्ट है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर बलवीर जी को भी वोट दे सकते हैं, परमार जी को भी दे सकते हैं, और किसी को भी दे सकते हैं, कांग्रेस में भी जा सकते हैं, हमें भी दे सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उनसे बहुत रुष्ट है इस वक्त, इसलिए उनको उसका कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा।